नौ जिले के हिमालयपुरवा में बीते एक दिन पूर्व किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को धर दबोचा। वहीं जमीनी रंजिश व दुष्कर्म करने की कोशिश में नाकामयाब पड़ोसी युवक ने ही किशोरी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी थी और शव को मक्के के खेत में फेंक कर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक हिमालयपुरवा निवासी भारत प्रकाश की बेटी चारा लेने के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन बाद देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। उसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तभी मक्के के खेत में उसका शव पड़ा मिला। किशोरी का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्यवाही में जुट गई। वहीं पुलिस कप्तान ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना का सफल अनावरण 24 घंटे के अंदर कर लिया गया। पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। वहीं पुलिस की गहनता से जाँच में युवक पर शक हुआ। वहीं युवक को पकड़ कर उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया। उसका कुछ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और किशोरी जब घर से बाहर निकली तो उसे बदनीयती से किशोरी को दबोच लिया और किशोरी ने जब इसका विरोध किया तो फिर युवक को वह बाहर जाके सबको बता देगी, जिसके बाद आरोपी युवक ने पहले तो उसको मारा और फिर उसको गिराकर उसका गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर फरार हो गया। वहीं घटना के खुलासे के बाद आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लड़की का पड़ोसी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने बताया है कि लड़की के परिवार से उसकी रंजिश थी और वो उस पर बुरी नज़र भी रख रहा था और इन दोनों कारणों से उसने लड़की का पीछा किया और उसको बलात्कार करने की नीयत से पकड़ने की कोशिश की। लड़की ने अपने आप को छुड़ाया और चिल्लाई, तो ऐसी स्थिति में लोगों से बचने के दृष्टिकोण से उसने लड़की का पहले मुंह दबाया, फिर उसको गिरा करके गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके उसको पैर पकड़ के घसीट करके खेत में ले गया। फिर उसने अपने गमछे से उसको गला कस करके और फिर एक फावड़ा ला करके प्रहार भी किया और पोस्टमार्टम से भी इन चीज़ों की पुष्टि हो गई है। और उसने गुमराह भी कर रहा था, उसने जो प्रयुक्त गमछा था उसको और फावड़े को भी बरामद कर दिया है और पुलिस और जो पीड़ित परिवार है उसको गुमराह करने के लिए, वो बच्ची जब गुम हुई थी तो उसकी तलाशी में भी था, बाद में परिवार के साथ साथ भी वो सारे अवसरों पर मौजूद था और इस तरीके से अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन हम लोगों को विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले और उस साक्ष्य के आधार पर और केस को सही सही और सॉल्व करने में सफल था। टीवी वार इंडिया न्यूज़ के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। जनपद औरैया के अजीत मल के रोड मार्ग पर अभी हुआ लोडर पलटने से हादसा। वहीं हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल, जिसमें 2 बच्चे और बूढ़ी महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 महिलाओं को सैफई रेफर किया गया। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए गौरव सिंह की रिपोर्ट, औरैया। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पेयजल को लेकर जिस तरह से पूर्व में चुनाव के समय में तमाम नेताओं ने जीडा झाल परियोजना को लेकर श्रेय लेने का काम किया और दावा किया गया कि ज्यादातर क्षेत्रों में गंगा जल की सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी गई है, किंतु हकीकत अगर देखें तो आज भी ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां गंगा जल तो छोड़िए गंदा पानी इस्तेमाल करने को लोग मजबूर हैं, लेकिन नगर निगम है कि केवल और केवल हवाई बातें करने में व्यस्त है। आज तिलक नगर के लोग, जिनका सब्र का बांध टूटा क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पेयजल की किल्लत से यहां के स्थानीय बाशिंदे जूझ रहे थे, लेकिन कोई भी इनके सुनने वाला नहीं था। वहीं जे मुंशीलाल को फोन किया गया, लेकिन पिछले एक हफ्ते से केवल बेवकूफ बनाने के अलावा मुंशीलाल वर्मा कोई भी काम नहीं करते। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप मुंशीलाल पर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम पता नहीं क्यों उन पर मेहरबान नजर आता है। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी कर्मचारी नगर निगम में मलाई खा रहे, वहीं काम करने वाले कर्मचारियों को परेशान करने का काम नगर निगम कर रहा है, जिसकी यह
जबानगी भर है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि शहर के विभिन्न हिस्सों में नारायण नगर, करतार नगर, प्रदीप नगर सहित शहर के तमाम हिस्सों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। वही जनता आए दिन नगर निगम में धरना प्रदर्शन करती है, महापौर से मिलती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। क्योंकि साफ तौर पर अगर जनता की माने तो नगर निगम और नगर निगम के अधिकारी कमीशन खोरी के चक्कर में जनता की बलि देने को मजबूर है, लेकिन नेता है कि केवल हवाई बातें करने में व्यस्त है। इसी पूरे प्रकरण को लेकर जब तिलक नगर के बाशिंदों ने नगर विधायक मनीष असीजा से बात की तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपर नगर आयुक्त को क्षेत्र में भेजा, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह रही कि समस्या का समाधान फिर भी ना हो सका। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की किल्लत दूर हो पाएगी या नहीं, या ऐसे ही केवल गंगा जल की सप्लाई सुचारू रूप से चालू कराने की भ्रामक बातें ऐसे ही होती रहेंगी। इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल जनपद फिरोजाबाद पेयजल की किल्लत से बड़े स्तर पर जूझ रहा है। मेरा नाम शक्ति शर्मा। यहाँ पानी की समस्या कब से है? काफी 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गया। पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा है। शक्ति शर्मा, और मतलब पानी बहुत गंदा आ रहा था, मतलब शिकायत की थी तो कोई वो नहीं हुआ सुनवाई, लेकिन भैया वगैरह से बोला, लेकिन बहुत गंदा था ना, 15 दिन तो आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। जब आया तो बहुत गंदा आ रहा, कीचड़ आ रही थी, और आज मतलब आया है पेंट कीचड़ आ रहा है। कौन सा मोहल्ला है? तिलक नगर। क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या। कब से पानी नहीं आ रहा? पानी करीब एक हफ्ते से ऊपर होने जा रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। क्या कारण है, पानी क्यों नहीं आ पा रहा? खराब पड़े हुए हैं, जेड़ा जाल की व्यवस्था भंग हो चुकी है, गंगा जल नहीं पहुँच पा रहा। गंगा जल किससे कहते हैं तो नाम भी भूल गए। नाम भूल गए? नाम भूल गए। ये माता जी हैं, इनसे पूछे। सुशीला शर्मा। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी बिल्कुल ना आ रहा है। भेड़ा गंगा, कितने दिन से गंगा जी? 5-6 दिन हो गए। और का बेचारी रात रात भर दवाई लेके आई हूँ, हनुमान टंकी पे इतने जोर का पानी चल रहा है, काट बाजार में नलों खुलने तब मैं नहीं सकता भाई हूँ। मगर तिलक नगर में गंगा जल नहीं आ पा रहा। कोई नगर में नहीं आ पा रहा तो ना, मैं वो जानकर सब महादेव नगर सब दुखी है। पानी की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है सब। सत्यनगर में तो मैं अच्छा। आप यही तिलक नगर में रहते हो? अबे तो तिलक नगर में पर मकान बनवा रहे, दगड़ा मऊ पानी ना बिल्कुल, ते दुखी है मन के लोग बहुत ज्यादा है। कि समय रहता है दे तू ना पानी मेरे को। नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या कितने दिन से है और कब से पानी नहीं आ पा रहा है यहाँ पे? पानी का कोई टाइम नहीं है और समस्या ही समस्या है। न साफ पानी आ रहा है और बहुत गंदा पानी आ रहा है। मैंने अभी बोतल में भी दिखाया, बाल्टी में भी दिखाया। नगर निगम के अधिकारियों को आपने सब लोगों को बार बार फोन करके सूचित किया गया है, और इसके बावजूद भी वो लोग कह देते हैं कि इंक्वायरी करवाएंगे, देखभाल करेंगे, न पानी आ रहा है ढंग से। अब आता भी है, और सबसे बड़ी कमी है इसमें ट्यूबवेल और टंकी के ऑपरेटरों की, जो कि यदि सप्लाई थोड़ी बहुत देर पर होती भी है तो उस टाइम पर जहाँ गंदा पानी बहुत ज़्यादा आता है और जहाँ उनके व्यक्ति का स्वार्थ सजे हुए हैं, उन लोगों से फ़ोन करके कह देते हैं कि इस टाइम पर खोलेंगे, और 2-3 दिन में जहाँ लोगों और लोगों को पता चलता है तो फ़ौरन टाइम बदल के उन्हें फ़ोन से सूचना देते हैं। यहाँ जो है पीने लायक पानी तो आया ही नहीं। शुरू में जब गंगा जल आया था तब तो पानी पीने लायक था, लेकिन उसके बाद में पानी पीने लायक आया ही नहीं है, और नहाने लायक और कपड़े धोने लायक है। आज भी हमने दिखाया है, ये है, ये देखिए, ये हमने दिखाया है, तो गंदा आ रहा है, मट्टी ना रहता पानी। शिकायत करने का कोई असर नहीं है, और अब नगर निगम से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं रही है। आखिरकार उम्मीद है किससे आपकी? केवल विधायक से, जो कुछ हाथ पे रहला सकते हैं और कुछ कर सकते हैं इस मोहल्ले के लिए। जी धन्यवाद। पानी की समस्या कब से है और क्या समस्या है यहाँ पे, कितने दिन से हो रही है? पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या चल रही है। सप्लाई आती है तो 2 से 4-5 मिनट के लिए आती है तो गंदी आती है, जिसमें मिट्टी भी होगी, गिट्टी भी होगी, हर चीज़ मिलेगी। संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया आपने? सुबह से जय मुंशीलाल वर्मा को 15 से 20 कॉल लगा चुका हूँ, कॉल नहीं उठाया है। असीजा जी को फ़ोन किया तब उन्होंने उस पर रेस्पॉन्स दिखाया है। विभागीय अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्षेत्र में पानी के लिए जनता परेशान है। एक एक व्यक्ति 3-3 किलोमीटर से पानी भर के ला रहा है पीने के लिए, पर अधिकारियों को कोई होश नहीं है, ना उनके कान पर जूं बज रही है। मतलब गंगा जल आ नहीं पा रहा है तिलक नगर के अंदर? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कोरे प्रवचन है, कोरे भाषण है और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? संदीप चौहान जी। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी कम आ रहा है। कब से नहीं आ रहा पानी? करीब हो गए 8-10 दिन से ज्यादा। कैसा पानी आ रहा है? इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की किसी से? काफी लोगों ने
कोई निदान नहीं हुआ अभी तक आपके सामने। कितने दिन से ये समस्या? करीब 10-12 दिन से ज़्यादा है। 10-12 दिन से ज़्यादा, इससे पहले कुछ ठीक हुआ था, अब कोई बात नहीं। अच्छा, ये पाइपलाइन डालने के लिए जो गलियाँ खोदी गई थी जी, ये भी खावर स्थिति, इस बारे में कोई शिकायत विकायत की थी क्या? हाँ की है, कई बार की है, परंतु उसका कोई निदान नहीं होता। मैं आपका भूपेंद्र से दिया, पानी आ रहा है। पानी कब से नहीं आ रहा है यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया। कैसा पानी आ रहा है? संबंधित अधिकारियों को फोन किया? फोन किया, बात करो, फोन नहीं उठाता मिलने के लिए। पानी नहीं आ रहा है और आ भी रहा है वो मिट्टी युक्ता है, वो मैंने देखा है अभी सैंपल में जी, तो उसमें पता कर रहा हूँ, मैं ट्रेस कर रहा हूँ कहाँ से मिट्टी है। बताया जा रहा है ये पूरे तिलक नगर में समस्या है पिछले कई दिन से, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसके बारे में सर क्या कहना है? अभी आपके संज्ञान में आज ही आया ये मामला या पहले भी? क्या नाम है आपका? शुक्ला जी, ये क्या समस्या है यहाँ पर? पानी की समस्या है। कितने दिन से पानी की समस्या, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर? 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, पानी का कोई टाइम नहीं है हम यहाँ पर, कब पानी आया कब नहीं आया कोई पता नहीं। कोई शिकायत की थी आपने नगर निगम में? नगर निगम से आज मंत्री लाल को हमने 25 कॉल किए हैं, कम से कम फोन नहीं उठाया हमारा। जब असीजा जी को, विधायक जी को फोन किया है, तब उनके द्वारा वहाँ फोन गया, तब उसका फोन आया। अच्छा, तो पानी, ये गंदा पानी आ रहा है ये बता रहे? गंदा पानी मट्टी मिल में आ रहा है और जो पत्थर है पाइपलाइन में। तो आज आपकी शिकायत पर मतलब हमने जब फोन किया सुबह, मैं मैडम जी से भी मिला पार्षद से, उनके तो वो भी आ रही है अभी, मतलब जो आज फोन किया। लगभग कितने घरों में ये समस्या? पूरे घरों में। TV1 India News के लिए मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।